Moving on to Bihar now, where the Janata Parivar has the blessings of the Gandhis in their united fight against the BJP, an alliance formed after RJD agreed to accept Nitish Kumar as chief minister in the polls. Lalu said he's ready to consume poison to defeat BJP. India Today consulting editor Rajdeep Sardesai spoke to the RJD chief on the prospects of the Bihar alliance. Lalu ji, ye bataiye, sab keh rahe hain ki ye jo aapne Nitish ji ko project kiya hai chief minister, ye jo alliance aapne banaya hai, ये आपने दबाव में बनाया है. यू आर अंडर प्रेशर, यू हैव डन दिस अंडर प्रेशर. आपकी मजबूरी थी, इट वॉज योर कंपल्शन. अब ये बात सुनो, ये 6 महीना से जनता दल परिवार का हम लोग कवायद शुरू किए हैं और रामगोपाल जी का फैसला हुआ था कि भाई अभी तत्काल तकनीकी कारण है, इसलिए बिहार का चुनाव गठबंधन के आधार पर लड़ा जाए जी. और गठबंधन के आधार पर खास करके बीजेपी, आरजेडी और जदयू दोनों मिलकर के चुनाव अपने अपने चुनाव चिन्हों पर लड़े. इसमें बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी लालू जी. बात को लालू जी का इतना प्रेशर था कि भाई आप लोग चुनाव नजदीक आ गया, क्या फैसला लिया और आप हम अपना पक्ष हमने पहले ही रख दिया था. नहीं नहीं नहीं, कि हम उम्मीदवार नहीं है, हो नहीं सकते हैं, आपने हमारे घर में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है. और भारतीय जनता पार्टी को घर वापसी का सबक सिखाना है हमको बिहार के मैदान में. लेकिन लालू जी, आपने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वो हम बाद में भी अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अचानक आप स्वीकारते हैं नीतीश जी का नाम, तो इसलिए लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ दबाव में आपने ये निर्णय लिया था. कहीं आपको डर था कि आप अकेला पड़ रहे हैं, इसलिए आपकी मजबूरी बन गई. खास करके जब नीतीश और राहुल की मीटिंग हुई, उसके बाद दबाव पे कहीं ना कहीं दबाव था आप पर. नहीं नहीं, किस चीज का दबाव भाई? नीतीश तो हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री है, किस बात का दबाव है भाई? बीजेपी का आरएसएस का खड़ियंत्र चल रहा है कि पहले तो कह रहे थे मिलेगा ही नहीं लोग, जब कल हम लोग मिल गए, ऐलान कर दिया, तब बोलते हैं कि भाई दबाव में हो गया, प्रेशर में आ गए. लालू जी, दबाव इस बात का है कि संडे को राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मीटिंग होती है, मुलायम सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और आपको धीरे धीरे लगने लगा कि डर लगने लगा कि आप अकेला पड़ जाएंगे अगर आप नीतीश जी का समर्थन नहीं करेंगे, गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे. ये बिल्कुल थोथी दलील थेटरलॉजी में आरएसएस बीजेपी का मीडिया एक्सपर्ट है. इसमें राहुल गांधी से मिलने से, आप नहीं मिलने से, यहाँ कहाँ सवाल उठता है? इनसे मिलना चाहिए सबसे. हम तो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के साथ सबके साथ रहे हैं. ये दबाव, एक दिन में कोई दबाव होता है क्या लालू जी? लेकिन एक कहीं ना कहीं क्या आप मानेंगे कि ये जो चुनाव आपके हैं, आपके लिए है, दिस इज डू और डाई नाउ, करो या मरो. अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी बिहार जीतते हैं तो एक तरह से आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा. अरे कैसे खत्म हो जाता, कैसे आ जाएगा बीजेपी? ये पॉलिटिकल करियर, आज हम लोग हार गए, पूरे देश में हार गए, तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया सर? लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो कहा है कि ये अलायंस जो है करप्ट लोगों का अलायंस है, अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, अवसरवादियों का अलायंस है. किस तरह से आप क्या जवाब देंगे जब बीजेपी नरेंद्र मोदी जाएंगे और कहेंगे वही नीतीश कुमार जो एक समय लालू को कहते थे जंगल राज, या वही लालू प्रसाद जिसे करप्ट किया कहा जाता था, या आप नीतीश को कम्युनल कहते थे, आप लोगों का ये गठबंधन हुआ है अपॉर्चुनिस्ट करप्ट अलायंस? नहीं, बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है. इनके बात को अब जानते कौन करप्ट है नहीं है, इनको पता लग जाएगा. लेकिन अवसरवादी बात है क्या? लेकिन ये बताइए लालू जी, अगर नीतीश जी अब सीएम के दावेदार है, इफ नीतीश जी बिकम्स चीफ मिनिस्टर, अगर वो बनते हैं, आपका क्या रोल रहेगा? व्हाट विल बी योर रोल इन पॉलिटिक्स नाउ? लालू यादव का निर्माणकर्ता के रूप में, देश को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए लालू यादव का नाम सबसे ऊंचा रहेगा कि लालू यादव ने बीजेपी को बिहार के चुनाव से इनको फटकने न दे करके घर वापस कर दिया, घर में इनको बैठा दिया, इसका पूरा क्रेडिट हमको मिलेगा. तो आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कि सीएम तो बनेंगे नीतीश अगर आप जीत जाए, आप क्या मानते हैं कि ये चुनाव एक तरह से अब
नीतीश वर्सेस बीजेपी बन गया है या बीजेपी का बीजेपी को भी अपना एक चीफ मिनिस्टर का नाम देना पड़ेगा? चैलेंज आप दे रहे हैं उनको? हाँ चैलेंज हम मांग कर रहे हैं कि तुम्हारा कौन होगा मुख्यमंत्री बताओ। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी को कह रहे हैं अपना मुख्यमंत्री बना, लोग कहेंगे लेकिन कि ये जो अलायंस आपका है एक तरह से आप सेक्युलरिज्म का नारा लगाते हैं, मोदी जी कहते हैं मैं विकास का नारा लगाऊंगा, क्या ये चुनाव मोदी जी एक तरफ, लालू नीतीश एक तरफ, सेक्युलर अलायंस एक तरफ, एनडीए कहता है वो विकास की बात करेगा? ये विकास का ये विनाश पुरुष है, ये लोग विकास ढोंग है, ये विकास नहीं ये विनाश के तरफ देश को ले जा रहे हैं। इनका कई एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अब ये सब है साक्षी जैसा लोग कई एक तरह का कि मंदिर बनाएंगे। अभी याद आ रहा चुनाव में राम जी का मंदिर, अयोध्या का फिर कि नरेंद्र मोदी के समय में हम लोग बना देंगे मंदिर, ये काम कर रहे हैं ये। और कोई अवसर बाद नहीं, इनकी बड़ी भारी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। जो इन लोगों ने ढोंग किया, जो वादा किया 5 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने का, काला धन ला के 15.5 लाख जमा करने का प्रत्येक व्यक्ति का, 24 घंटा बिजली, किसानों के साथ धोखा, इनका हिसाब किताब इस बार चुकती कर देगी बिहार की जनता। सर ये सब बोलने की बात है लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ था 2014 के चुनाव में, इन बिहार इन 2014 द बीजेपी स्वेप्ट यू एंड नीतीश असाइड। क्या आज आप मानते हैं कि आज की तारीख में एज ऑफ टुडे मोदी जी इज इंडिया नेता नंबर वन? अरे देखो आप मानो ना मानो मैं नेता नहीं मानता हूँ। हाँ देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं, मैं नेता कैसे आपके कहने से नेता मान लेंगे हम लोग? ये देश में जिस तरह से पीएम है पीएम है ना, पीएम देश का प्रधानमंत्री होता तो इसमें छा गए तो जो छा गए हैं तो फिर कुहासा फटेगा। अभी आखिर में मैं आपको पूछूंगा, अगर आज आप नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहे बिहार के बैटल के पहले, क्या कहेंगे लालू यादव नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी को क्या कहना है? नरेंद्र मोदी को कहना था कि जो वादा किया था आप अब फिसल गए, आप फेल हो गए, आपकी सरकार चेकअप भी नहीं की, आपके घर में आग लगा हुआ है, आपको किसी पर विश्वास नहीं है, आपके मंत्री पर नहीं विश्वास है, रामविलास पासवान पर विश्वास नहीं।